आज के दिन का आगाज बहुत बुरा हुआ और रात का इख्तिताम बहुत अच्छा। मेरा अस्वत से सामना हुआ और मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। वो नफरत चूटियों की तरह मुझे चिमट गई। उसकी आंखों में कभी भी नफरत तो नहीं थी मेरे लिए, और अब जब वो मेरी जिंदगी का साथी बनने जा रहा है तो ये नफरत मुझे तकलीफ दे रही थी। मैं उसके घर से वापस आई तो मेरे कमरे में मशल ने मेरी शादी का जोड़ा कैंची से काट दिया था। मेरे लिए इस जोड़े का कटना तकलीफ दे नहीं था, उससे ज्यादा शौकीन ये था कि वो मेरे कमरे में आई कैसे। मैंने तो कमरा लॉक किया था। मैं हमेशा से जानती थी कि वो मेरे कमरे में आती है मेरी एब्सेंस में, लेकिन आज यकीन हो गया। मैं उसके कमरे में गई, मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया और वो मुस्कुराती रही। चिल्लाई नहीं, मैंने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ भी मारा खींच के। वो तब भी वैसे ही मुस्कुराती रही। फिर उसने यकदम मुझसे कहा, तुम और मैं आखिर कितना लड़ेंगे मेरी, आओ सुलह कर लेते हैं। जो इतने साल हम नफरत पाल कर बैठे हैं उसको क्या करेंगे, चलो गुस्सा जाने दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, तुमने भी किया, आज सब बराबर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वो मशल है जिसके साथ मैं बड़ी हुई, जिसको मैं बचपन से देखती आ रही। पर पता नहीं, मैंने उस लम्हे घुटने टेक दी। मैं नफरत के इस बोझ को उठा उठा कर थक गई थी जो बड़ों ने हमारे सर पर रख दिया था। मैंने उससे सुलह कर ली। हम दोनों ने इकट्ठे बैठकर चाय भी पी, और चाय पीने के दौरान उसने मुझसे एक अजीब बात कही। कहा, प्यार जहर होता है, किसी ना किसी को मार देता है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, पर मैंने उससे कहा, ये नहीं होगा, किसी को नहीं मारेगा। उसे नींद आने लगी। मैंने उससे कहा, कल दोबारा बात करेंगे, और मैं वहाँ से उठकर आ गई। अब जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी जाया कर दी।